इससे नहीं कि हम पिकनिक मनाए आए हैं, बड़े भाव से तीर्थ का सेवन करो, बड़े भाव से गंगा जी का स्नान करो। गंगा स्नान के लिए किसी भी तीर्थ में स्नान करें तो तीन काम करना चाहिए। आप लोग स्नान करने गए, अभी तो चार पांच दिन है और स्नान करेंगे। तीन काम क्या क्या करना चाहिए? पहला तो स्नान, दूसरा दान, और तीसरा उस तीर्थ की महिमा का श्रवण। जब घाट पर पहुंचे तो वहां जो वहां के संत पंडे हैं, वहां के पुजारी हैं, वहां के ब्राह्मण हैं, उनसे उस तीर्थ का कुछ महात्म्य पूछें, उनसे सुने तीर्थ का महात्म्य, सुने तीर्थ में स्नान करें। संकल्पित होकर स्नान करना चाहिए, ऐसा भी विधान है, बिना संकल्प के स्नान का फल प्राप्त नहीं होता। तो जो लोग संकल्प नहीं कर सकते, मानसिक संकल्प ही कर लें कि हम तीर्थ में स्नान कर रहे हैं, इस स्नान से हमारे पूर्वजों को तृप्ति मिले। स्नान के बाद जो यहाँ के स्थानीय पुजारी हैं, यहाँ के जो पंडे हैं, तीर्थ के क्षेत्र के जो वहां के ब्राह्मण हैं, उनको यथाशक्ति कुछ दान करें। प्रभु श्री राम जब गंगा जी के तट पर पहुंचे तो राम जी ने ये तीनों क्रियाएं की थी। कब पहुंचे? वनवास प्रसंग में तो गई है त्रिवेणी, लेकिन जिस समय जनकपुरी जा रहे थे तब भी राम जी गंगा जी गए। अहिल्या उद्धार के बाद राम जी गंगा जी पहुंचे और तब राम जी ने विश्वामित्र जी के साथ गंगा जी में स्नान किया। विश्वामित्र जी ने गंगा की महिमा सुनाई। यही प्रकार सुर सरी मही आई, जैसे गंगा जी प्रकट हुई उसकी कथा सुनाई। तब मुनि ऋषि समेत नहाए, तब मुनि ऋषि